अच्छा भाई, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के ग्राउंड पर हराया, तो इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? ये वर्ल्ड कप से पहले बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की जीत, क्योंकि थोड़ा हम स्ट्रगल कर रहे थे और स्पेशली हम बैटिंग में, और न्यूजीलैंड की कंडीशन मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशन होती है, स्पेशली जो हमारे एशियन की टीम होती है उनके लिए। तो इस टूर्नामेंट में हमने बड़ा अच्छा, मतलब बैट्समैनों ने भी खेला, बॉलर तो हमारे शुरू से जब से हैं वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने परफॉर्म किया बैट्समैनों, स्पेशली आज हैदर अली की फॉर्म में वापस आना और नवाज ने भी नीचे से रन्स किए, तो लॉट जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी इस पाकिस्तान टीम में, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से पहले जो हमें बड़ी अच्छी तैयारी मिली और ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स पे हराना कितना मुश्किल है इसके हवाले से आपकी? मैं समझता हूँ कि आजकल न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड को हराना वहाँ पे, चाहे साउथ अफ्रीकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे दुनिया की जितनी भी टॉप टीमें, तो न्यूजीलैंड में हराना उससे बड़ा मुश्किल होता है, और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है मैं समझता हूँ, और ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा अच्छा हमें एक स्टार्ट मिला है इंशाल्लाह। वो कौन सी कमजोरियां हैं कि कौमी टीम को चाहिए कि उस पर काम करे, उसको दूर करे वर्ल्ड कप के लिए? शुरू से हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे मिडल ऑर्डर में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैनों ने अच्छा खेला टूर्नामेंट में जो वर्ल्ड कप आ रही है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम टॉप फोर में पहुँचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।